नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड पापा। और आज के बॉलीवुड बुलेटिन में आप लोगों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं। और आज के बॉलीवुड बुलेटिन में सबसे पहले नाम है अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पैडमैन में कैमियो करने वाले हैं। ये फिल्म आर बाल्की द्वारा बनाई जा रही है और आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में राधिका आप्टे और सोनम कपूर भी नजर आने वाली है। वैसे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आर बाल्की द्वारा निर्मित चीनी कम और शमिताभ में भी अमिताभ उनके साथ में काम कर चुके हैं। और बढ़ते हैं अगले बुलेटिन की तरफ। निर्जा बनोट पर बनी फिल्म निर्जा को 64वें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने के बाद मुंबई में इस फिल्म को लेकर सेलिब्रेशन मनाया गया, जिस सेलिब्रेशन में कई सेलेब्स ने हिस्सा लिया था। आइए देखते हैं। और बढ़ते हैं अगले बुलेटिन की तरफ। पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई विद्या बालन की फिल्म बेगम जान को फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के कारण भारी नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, पिछले बुधवार को रिलीज हुई फास्ट एंड फ्यूरियस 8 ने अभी तक 64 करोड़ रुपए का बिजनेस इंडिया में कर चुकी है, जिससे विद्या बालन की फिल्म बेगम जान को भारी नुकसान पहुंचा है। और वहीं पंजाबी एक्टर गिप्पी गरेवाल की फिल्म मंजे बिस्तर ने भी बेगम जान को पीछे छोड़ दिया है। और बढ़ते हैं अगले बुलेटिन की तरफ। अरबाज खान और मलाइका अरोरा के बीच में अलग होने का कारण अर्जुन कपूर को बताया जाता है। और वहीं मलाइका का कहना है कि वह सिर्फ अर्जुन को अपना दोस्त मानती है। वैसे इसका गलत मतलब निकालना भी सही नहीं हो सकता। वैसे आपको बता दें, मलाइका अरोरा खान और अर्जुन कपूर फिर से एक बार साथ में नजर आए हैं, जिसमें मलाइका अरोरा खान समर लुक में बहुत ही गॉर्जियस लग रही हैं और वहीं अर्जुन कपूर डेनिम की टी शर्ट और जीन्स पहने हुए बहुत डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं। और बढ़ते हैं अगले बुलेटिन की तरफ। नीतीश तिवारी अपनी आने वाली फिल्म में वरुण धवन को साइन करने वाले हैं। जी हाँ, दंगल की सक्सेस के बाद में नीतीश तिवारी के पास में दो प्रोजेक्ट्स नए आए हैं, एक तो साजिद नाडियावाला का, दूसरा रॉनी स्क्रू वाला का। और वहीं नीतीश तिवारी अपनी अगली फिल्म के लिए वरुण धवन को साइन कर चुके हैं, जिसकी शूटिंग वे जुड़वा 2 के बाद में चालू करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, वरुण धवन इसमें मुख्य किरदार में रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही ताजा तरंग खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड पापा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर।